हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप कि आप लोगों की तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम है तो 8th से है सभी स्टूडेंट का, एक तो 9th में ज्यादातर स्टूडेंट्स का खत्म हो जाएगा। कितने दिन रह गए हैं आज? 5 है, 6 और 7, 2 दिन रह गए हैं। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार लास्ट 2 डेज में क्या करें, लास्ट मिनट टिप्स क्या होनी चाहिए। लास्ट मिनट टिप्स ये नहीं होती कि 10:30 बजे एग्जाम है तो 10:29 पे आपको कुछ पता चल रहा है कि वो नहीं। 2 दिन में अभी आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, या क्या 2 दिन में ऐसा क्या कर सकते हो कि कहीं ना कहीं आपके स्कोर में डेफिनेटली डिफरेंस आ जाए। तो अब है कि आपको यार एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपने प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एनालिसिस कर लिया मॉक का, तो आपको सब कुछ पता चल गया है कि यार यहाँ यहाँ पे दिक्कत हो रही है, उसको आपने इम्प्रूव कर लिया होगा डेफिनेटली प्रैक्टिस करके। अब जब 2 दिन रह जाते हैं तो सबसे पहले कि आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, एग्जाम में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, है ना। एक रिजिड माइंडसेट के साथ नहीं जाना एग्जाम में कि यार ऐसा तो सिर्फ ऐसा, कि मतलब जैसे हमारी माइंडसेट क्या होती है कि यार मतलब सबसे पहले मेरे को जाते ही पजल करनी है, क्योंकि पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो मेरे को वो ही करना है, है ना। वहां पे देखना है कि यार अगर पजल मेरी 3 आई हुई है और अगर मेरे को पजल लगती है कि यार काफी डिफिकल्ट है बट बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन है कंपैरेटिवली आसान है तो पहले वो निकाल देना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्कोर करना है, अल्टीमेटली आपको मार्क्स ज्यादा लाने हैं। आपको ये नहीं करना कि जिस चीज में आपकी स्ट्रेंथ है आपको वो वहां पे अटेम्प्ट करके आना है। भले ही मैं 3 पजल करके आऊं 20 मिनट में, बस मैं 15 ही क्वेश्चन करके आऊंगा, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही चाहे उसके अलावा मेरे पास जो बाकी के क्वेश्चन बचे 20 वो इतने आसान है कि मैं 15 मिनट में कर सकता हूँ, 5 मिनट में पजल लगा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। सो लास्ट मिनट टिप्स के बारे में आज बात करेंगे कि किस तरीके से करना है। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया कि रिजिड माइंड सेट के साथ नहीं जाना, एग्जाम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से एग्जाम आएगा उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी वहीं पे ऑन द स्पॉट चेंज करनी पड़ सकती है, है ना। बाकी वैसे तो आपने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी वो इस तरीके से बनाई होगी जिस तरीके से हमने आपको एक्सपेक्टेड पेपर दिए हैं, एसबीआई पीओ के लिए हमने एक्सपेक्टेड पेपर दिए हैं। सो आपने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी हिसाब से बनाई होगी, क्योंकि उसी तरीके का पेपर लगभग रहने वाला है कि जो पैटर्न चल रहा था और जो चेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं आईबीपीएस पीओ प्री में मिल रहे हैं, तो उस तरीके से कुछ आ सकता है। बट स्टिल अगर कुछ एकदम ऑल ऑफ द सडन अलग आ जाता है तो आपको वहां पे अपनी स्ट्रेटेजी में भी थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। अगर आपने लेके चला हुआ है कि ठीक है मैं 5 क्वाड्रेटिक के करूंगा क्वेश्चन, 5 में नंबर सीरीज के करूंगा, 5 सिंप्लीफिकेशन के करूंगा, 1 डीआई कर दूंगा, बट देखा कि वहां पे यार क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन आए ही नहीं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आ गया, डेटा सफिशिएंसी आ गया, डीआई, तो यहां पे आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। फिर वहां पे आप सीधा डीआई पे 2, वहां पे फिर आपको 2 डीआई अटेम्प्ट करनी होगी, है ना। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। और जैसे कि सेक्शनल लॉकिंग है ना, सेक्शनल टाइमिंग है, तो ये भी मेरे पास अब ऑप्शन खत्म हो जाता है कि मैं पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा फिर क्वांट फिर इंग्लिश, नहीं, पहले जो खुलेगा आपको वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश में जैसे आप बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी, फिर किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, लास्ट मिनट में आपको किन चीजों पर फोकस रखना चाहिए। तो लास्ट मिनट में सबसे पहले आपको फोकस रखना चाहिए कि यार जो आपके अब स्ट्रेंथ वाले टॉपिक है ना उनकी प्रैक्टिस करो, और जिनको आपने प्रैक्टिस करा, जो आपके वीक थे और आपने जिनको प्रैक्टिस करके अच्छा किया है उनको और थोड़ा सा इंप्रूव करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। लास्ट मिनट में जैसे कि अब कुछ नई चीज मत उठाना बिल्कुल भी कि हाँ यार स्लॉग्स तो मेरे को बिल्कुल नहीं आते, अब मैं 2 दिन में स्लॉग्स कर लेता हूँ, मत करना 2 दिन में, ना तो आप इतने अच्छे से कर पाओगे कि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन एकदम से कर दो, और कहीं ना कहीं टाइम भी आपका ज्यादा लग जाएगा, इतनी प्रैक्टिस आप कर नहीं पाओगे बाकी चीजों के साथ भी, और फिर उसके साथ साथ बाकी चीजें इंप्रूविंग। तो आप कोई नई चीज तो उठाना मत, जो पुरानी कर रखी है उन्हीं को अच्छे से करना। कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कि मेरे कुछ रूल्स, जैसे कुछ सिलेबस के रूल्स हो गए, क्वांट के फॉर्मूलेज हो गए, इंग्लिश में कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हो गए, है ना, जो मेरे को एंड टाइम में रिवीजन की जरूरत पड़ती है कि हाँ एग्जाम में मैं गलती से भी फॉर्मूला ना भूल जाऊं, है ना, तो वो जरूर याद कर लेना, वो रिवाइज करते रहना इन 2 दिनों में, वो रिवाइज कर लेना। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितने भी आपके स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, टेबल्स हैं, ये याद कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई साइन कन्वर्जन के हिसाब से सॉल्व करता है तो वो साइन कन्वर्जन याद रखना। तो ये जो याद रखने वाली चीजें इनको तो रिवाइज करते ही रहना, ये नहीं कि उनको छोड़ दिया और उनको रिवाइज नहीं करा, क्योंकि एग्जाम में अगर एक फॉर्मूला भी गलती से भी छोटा सा भी फॉर्मूला अगर हम भूल जाते हैं तो वो पूरा क्वेश्चन ही इफेक्ट हो जाता है, वहां पर पूरा क्वेश्चन ही होता है, है ना। अब उसके अलावा अपने टॉपिक्स आपने सेट कर लिए होंगे कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, इस तरीके से करना है, वो क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको वहां पे फिर वो क्वेश्चन पहले अटेंड करके कंप्लीट करना है ना, वो मतलब पहले आपको लेना है कि हाँ ये तो मेरे से डेफिनेटली हो जाएगा। ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन शफलिंग्स में,
ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन शफलिंग में कि पहले मैं पैन एक पे गया, मैंने पहले सारे 35 तक देख लिए कि कौन से करने हैं कौन से नहीं करने, फिर मैंने करना शुरू किया, फिर उसमें मैं बार बार इधर उधर शफलिंग कर रहा हूँ, अब नीचे वाला करूंगा, फिर ऐसे उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं एक या दो सेकंड का, एक सेकंड का लैग में मार के चलता हूँ, एक क्लिक से दूसरे क्लिक पे मेरे को जाने में लगता है, फिर क्वेश्चन ढूंढने में भी लगता है, फिर मैं दोबारा ढूंढूंगा कि अच्छा 23 नंबर पे मैंने एक सिलॉग्स मार्क किया था मेरे को उसे करना है, ठीक है 57 पे मैंने एक DI मार्क करी थी मेरे को वहां जाना है, थोड़ा टाइम खर्च हो जाता है। जो आ रहा है करते चलो, अगर वो आपका नहीं आ रहा है या फिर आपके स्ट्रेंथ में नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा उसको मार्क कर दो, बट जो आ रहा है फिर वो करते चलो जो मिल रहा है, ज्यादा शफलिंग में नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें पता नहीं चलता है, बट एक से डेढ़ मिनट वहां पे खराब हो सकता है और डेढ़ मिनट में आप आराम से दो क्वेश्चन कर ही सकते हो, है ना, तो उस चीज का आपको ध्यान देना है। दूसरा, पेपर कुछ ऐसा ना रह जाए कि अनअटेम्प्टेड, कि यार मैं करने लग गया शुरू से, मैंने पजल में करना फंस गया, पजल करनी शुरू करी, कर रहा हूँ, आखिरी में 25 तक पहुंचा, यार बाकी मेरे 20 मिनट खत्म हो गए, अब तो 25 में मेरे को यही नहीं पता चला कि 25 से आगे 35 तक था क्या, ये नहीं होना चाहिए मेरे को, सबसे पहले ये तो पूरा पता होना चाहिए कि पेपर में है क्या क्या, क्योंकि वहां से क्लैरिटी आ जाती है कि यार मेरे को कहां पे कितना टाइम देना है, कैसे करना है। हो सकता है कि मेरे 10 नंबर आखिरी में सिंप्लीफिकेशन के हों और पहले मैं टाइम अपना DI में खराब कर रहा हूँ, टाइम बहुत ज्यादा देखे और आखिरी में मेरे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पड़े हों, तो वो चीज देख लेनी चाहिए। कई बार कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उनको पूरा पेपर ही नहीं पता चल पाता आया क्या है, और फिर वो बाद में जब डिस्कस करते हैं तो देखते हैं भैया 10 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छे से आते थे, मैं 5 मिनट में कर सकता था। तो इसलिए सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपना पेपर आपको पूरा पता हो कि आया क्या है और आपको फिर कहां पे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर पजल इन सेटिंग अरेंजमेंट या DI या किसी भी क्वेश्चन में, मैं कहूँ सबसे ज्यादा पजल में होता है इसलिए मैं पजल का नाम बार बार ले रहा हूँ, कहीं पे बीच में स्टक हो जाते हो, कहीं पे बीच में फंस जाते हो कि यार अब ये हो नहीं रही, केसेस बन रहे हैं, या आपने कुछ होता है कई बार एग्जाम में हम जल्दी जल्दी में ना लिखा है A इज अबव B और हम लिख लेते हैं B इज अबव A और B इज अबव A लगा के हम पूरी पजल पूरे केस बना के सॉल्व कर रहे होते हैं और नहीं आ रहा होता, फिर सोच रहे होते हैं, बट दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे वही प्री इन्फॉर्मेशन जो हम ग्रेस्प कर चुके होते हैं कि B इज अबव A वही लेके कर रहे होते हैं, तो उसमें हम फंसे रह जाते हैं और पजल और तो बहुत ईजी होती है, लगता है यार 4 लाइन की पजल है तो ईजी है, हो ही जाएगा, बट वो एक प्री इन्फॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में घुस जाती है ना, B इज अबव A होता है वो A इज अबव B, तो उस तरीके से हम फिर उसमें फंस जाते हैं, उसी में घूमते रहते हैं, काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। जहां लगे यार टाइम वेस्ट हो गया ये नहीं हो रही, तो वो चीज नहीं लेनी कि यार अब मैंने इस पे 4 मिनट तो लगाई दिया, अब और सॉल्व ही करूंगा, फिर मैं उसमें 3 मिनट लगा के और अपना टाइम ही खराब कर रहा हूँ, इसलिए वहां से मूव कर जाओ, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाद में टाइम मिले तो डेफिनेटली आप उसे अटेम्प्ट करो, जब आपको लगे कि यार कुछ नहीं बचा तो उसे अटेम्प्ट करो, तो किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना, फंसना नहीं। इंग्लिश की बात करें तो काफी स्टूडेंट की प्रॉब्लमेटिक एरिया, प्रॉब्लमेटिक सेक्शन रहता है ये, जहाँ पे काफी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसमें बात करूं मैं तो यही कहूंगा कि यार आप देखो आपका फोटे क्या है इसमें, अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है एरर्स के लिए जाओ, नहीं आती है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि वहां पे आपको शॉर्ट शॉर्ट आंसर मिलेंगे, वहां पे आपको क्या होगा एक क्लैरिटी होगी कि हाँ यार मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे बनी रहेगी, क्योंकि आंसर आपके पैसेज में ही होंगे, तो आप अगर करके वो भी कर लेते हो तो 10 नंबर का मैं मान के चलता हूँ 8 से 10 नंबर का आएगा, तो वो आपकी क्लैरिफिकेशन रहेगी, वहां पे आप वो चीज कर सकते हो। तो RC फोकस रखना जिसका रीडिंग अच्छा है, ग्रामर अच्छा तो ग्रामर, बट RC पे सभी स्टूडेंट को कहूंगा मैं फोकस रखना, क्योंकि इंग्लिश में कहीं ना कहीं हम सबको एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है, अगर मैं RC की बात करूं वहां पे मेरे को एक्यूरेसी पूरी अच्छे से मिल पाती है, है ना। क्वांट में भी सेम है, ये कहूंगा किसी क्वेश्चन में फंसना मत, इजी क्वेश्चंस पहले उठाना, कैलकुलेशन आधी से ज्यादा कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, पेन पेपर का यूज कम से कम, मतलब अब होता क्या है बहुत ईजी कैलकुलेशन होती है, बट वहां नर्वसनेस में मैं पेन पेपर पर लिख रहा हूँ, लिखा होता है 30x60 पर, उसे भी मैं 30x60 पेपर पे कर रहा होता हूँ, सीधा 30x60 यानी 3 6 18 और है ना वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1800। तो इस तरीके से दिमाग में आधी कैलकुलेशन करनी है, फिर एक फाइनल इक्वेशन जो बन जाती है उसे पेन पेपर से सॉल्व करके कर देना है। ज्यादातर कोशिश करनी है कि मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर लूँ, चाहे वो DI में हो चाहे वो कहीं पर भी आए। अब इसके बाद ये तो हो गई चलो पढ़ाई रिलेटेड बात कि आपको लास्ट मिनट में किस किस तरीके से करना है, स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी है, एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सब कुछ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगती नहीं है कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ इंपॉर्टेंट होगी, मतलब हम बिल्कुल सोचते ही नहीं उस बारे में, बट वो भी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि द डाइट यू आर हैविंग बिफोर वन डे ऑफ द एग्जाम, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले आप क्या खा रहे हो बहुत मैटर करता है। सुबह आपका एग्जाम है ना, रात को लाइट ही रखो, दोपहर में तो सुबह लाइट रखो, थोड़ा हेल्दी फूड रखो, क्यों इफेक्ट कैसे करता है हम लोगों को समझ में नहीं आता है, बट साइंटिफिक रीजन होता है चीज के पीछे, आपने हैवी खा लिया बहुत ज्यादा तो डेफिनेटली एग्जाम अगर आपका आफ्टरनून शिफ्ट में है और सुबह आप खा के आए हो अच्छे से मस्त पराठे वगैरह मक्खन वगैरह दबा के आए हो तो नींद आएगी एग्जाम में, डेफिनेटली आएगी, है ना। थोड़ा और भी इशूज हो सकता है कि हाँ पर खा भी लेना, और वो भी नहीं होता कि देखो डाइट ये भी एक रोल होती है कि नहीं खाली पेट भी नहीं जाना है,
तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की बॉडी में भी, है ना, कि यार हेडेक हो गया कुछ भी, इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आराम से जाओ, एक हेल्दी प्रॉपर डाइट लेके जाओ, स्लीप डेफिनेटली, मतलब अगर वैसे नॉर्मल 7 घंटे सोते हो ना, तो एग्जाम से एक दिन पहले 8-9 घंटे आराम से सो के जाना, एकदम चिल माइंड से, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा तो होगा, तैयारी कर ली, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद ये सोच के जाना कि यार अब कर लिया ना, अब तो हो गया, 7 तक तैयारी करनी थी कर ली, 8 को तो अब जो होगा वो होगा ही, अब मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि अब तो एग्जाम आएगा और मेरे को अटेम्प्ट करना जितना पड़ गया। तो आराम से मस्त सो के जाना, कोई नहीं, वो ग्रेजुएशन वगैरह में हम लोग करते हैं कि यार लास्ट नाइट स्टडी, तो वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ग्रेजुएशन नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो आराम से सो के जाना। जो आपने अगर पढ़ा होगा पहले से तो पढ़ा होगा, एक रात में वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, चल दिमाग से जाना। तो यही है एडमिट कार्ड, मतलब लास्ट मिनट में ना कुछ भी ऐसी टेंशन मत रखना दिमाग में, एडमिट कार्ड वगैरह, फोटो स्टेट, फोटो वोटो, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, जो भी फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें, सब पहले से निकलवा लेना, आज ही निकलवा के अपने बैग में डाल लो, पेन वेन जो कुछ है, कि लास्ट मिनट में यार मैं पेन भूल गया, यार एडमिट कार्ड तो निकलवाया नहीं, या फोटो कॉपी नहीं निकलवाई एडमिट कार्ड को, या फोटो कॉपी जो निकलवा रखी है वो वाली मैं ओरिजिनल नहीं कैरी करके गया हूँ उसकी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, फोटोज, पेन नहीं मेरा सही से चल रहा, ये वाला यार जेल पेन ले आया गलती से, बॉल ले आया, या कुछ भी, तो ये छोटी मोटी इशू नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं इशूज की वजह से यार थोड़ी सी दिमाग में टेंशन हो जाती है, और कहीं ना कहीं मेरे 1-2 नंबर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मेरा वही गलत हो सकते हैं वहाँ पे, या फिर कम हो सकते हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों के थॉट्स की वजह से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और उस वजह से हमारा एग्जाम डेफिनेटली अफेक्ट होता है, जो कि जब रिजल्ट आता है तब लगता है कि यार 0.25 से रह गया, 0.5 से रह गया, काश ये कर लिया होता, थोड़ा इस चीज़ से चला गया होता। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखना, और बाकी पढ़ाई पे, मेन स्टडी पे ध्यान रखो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे लो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, और जो भी तुम्हारे याद करने वाली चीज़ें जो तुमने बैकअप बना रखा है उन चीज़ों को याद कर लो, एक बार रिवाइज कर लो बस, कुछ नया अभी मत उठाना, जिन चीज़ों को कर रखा है उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। सो आई होप कि यार ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और हेल्पफुल रहेगी आगे एग्जाम जब आएगा, है ना। तो जैसे कि आज ईद है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टू ऑल ऑफ यू, है ना, तो इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ऑनलाइन तैयारी आपके लिए लेके आए स्पेशल ईद ऑफर, है ना, जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 30% डिस्काउंट। सो 4 से 7 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 4 से 7 तारीख तक ये ऑफर अवेलेबल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कोड EID30 ईद30 और 1 साल का तैयारी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 419 रुपए में। तो 419 रुपए में साल भर के होने वाले जितने भी एग्जाम है उसके अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सिर्फ 419, और ये ऑफर सिर्फ 4 से 7 तारीख के लिए, जिसमें कि आपको कूपन कोड लगाना होगा EID30 ईद30। सो थैंक यू, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यार आप लोग ये वीडियो अगर अच्छी होगी और आप लाइक करोगे तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होगा। सो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।